डॉट कॉम। तो आज है पहला मॉक टेस्ट टाइम एंड वर्क चैप्टर का। अभी मैंने डिसाइड किया है कि हर 2 से 3 दिन बाद जब एक सेशन होगा उसके बाद एक मॉक टेस्ट होगा, फिर सेशन होगा, फिर मॉक टेस्ट होगा, ताकि आपको तैयारी करने का और प्रैक्टिस करने का एक मौका मिले। जैसे क्वेश्चंस मैं सेशंस में करवाता हूँ वैसे ही क्वेश्चंस का एक टेस्ट मैं लूँगा। तो पहला टेस्ट है आज टाइम एंड वर्क का, एंड इस टेस्ट में मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा और 5 मिनट के अंदर अंदर आपने वो 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं खुद से। सॉल्व करने के बाद वो 5ों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा डाउट आपके, ताकि क्लियर हो पाए। तो आज पहला सेशन है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जो हमारे सेशंस हैं और कह लीजिए डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को पॉज ना करें, ऐसे ही चलते रहने दें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। आप अपना टेस्ट करें, तब तक मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम हो चुका है ख़त्म। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि करके हर एक क्वेश्चन का जो फंडा है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। 20 वुमेन है, 16 दिन में काम कर सकती हैं। 16 मेन है जो सेम काम 15 दिन में कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। पहली बात, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है। वैसे 20 वुमेन 16 दिन में काम करती है, एक काम को करने में 16 दिन लगाती हैं, तो एक वुमेन जो है इतना टाइम लगाएंगी, 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 20। और एक मैन जो है वो लगाएगा 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 15। एक मैन है जो एक दिन में इतना काम कर सकता है। अभी अगर इन दोनों को आपने रिलेशन पता करना है तो सिंप्लीफाई में ये कर लीजिए, 16 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये कट जाएगा। और ये 4 और 3 की रेशियो, जो वुमेन और मैन की रेशियो है, वुमेन की रेशियो कम आएगी और मैन की ज़्यादा आएगी, राइट। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हमने ये सॉल्व किया है, इसको ऊपर ले गए थे और इसको एक को नीचे ले गए थे, राइट। तो वुमेन और मैन की जो रेशियो है वो आ जाएगी 3/4। 3/4 का आंसर है। वैसे मैन बाय वुमेन का निकालना था तो आंसर आ जाएगा 4:3। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 9 डेज। After they have worked for 6 days, 6 more men joined them. How many days will they take to complete the remaining job? तो यहाँ पे एक सिंपल फंडा मैं अगर आपको बताऊँ, 12 लोग हैं एक काम को करने के लिए, 9 दिन लगाते हैं। एक आदमी पूरे काम को कितनी देर में कर सकता है, ये इस फंडे को थोड़ा सा समझिए। अगर एक आदमी जो है, वन मैन, 12 मैन तो लगा लीजिए 1/9 days लगाते हैं पर डे। तो एक आदमी जो है 9 × 12 इतना टाइम जो है लगाएगा, राइट। और पर डे में 12 × 9 ये हो जाएगा 108 यूनिट है। और एक आदमी, एक मैन जो है, एक दिन में 108वां हिस्सा है जो काम का वो कर पाता है। और यहाँ पे हमने हिस्सों में बांट लिया है, 108 हिस्से हैं पूरे काम के। एक आदमी एक दिन में एक हिस्सा कंप्लीट करता है। 12 आदमियों ने 6 दिन काम कर लिया हुआ है, 72 जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने 108 पार्ट करने हैं। और अभी 6 लोग और जुड़ चुके हैं, अभी जो लोग हैं वो 18 हैं, और ये हमें नहीं पता है एक्स, और हमें कितनी वैल्यू चाहिए। 108 में से आप 72 को माइनस कर दीजिए तो 28 + 8 आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, तो ये टोटल बनता है आपका 108। और ऑब्वियसली 36 / 18 = 2, 2 डेज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अगर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने हैं, जल्दी से जल्दी करने हैं। एक आदमी कितनी देर में काम को करता है, यूनिट्स में बांट लेंगे तो जल्दी से जल्दी और अच्छे से आपका जो है जो क्वेश्चन है वो हो पाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। 10 वुमेन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 7 डेज। 10 चिल्ड्रन कैन टेक 14 डेज टू कम्प्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन इन 10 चिल्ड्रन विल टेक टू कम्प्लीट द जॉब। वही सेम फंडा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे भी। एक वुमेन का निकालूंगा, एक वुमेन कितनी देर में काम करेगी, राइट। एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर सकती है। 10 वुमेन को 7 दिन लगते हैं, और कह लीजिए एक वुमेन जो है वो 1/70 पर डे काम करती है। और एक चिल्ड्रन जो है वो कितना करेगा, 1/14, तो टोटल 10 चिल्ड्रन लगाते थे तो 1/140 पर डे जो है एक चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन जब काम करने बैठते हैं तो 140 यूनिट वो काम को, काम के पूरे काम को 140 यूनिट में बांटते हैं। और एक चिल्ड्रन एक यूनिट काम करता है एक दिन में, और एक वुमेन एक यूनिट काम करती है और 70 यूनिट है, समझ रहे हैं। काम को अगर 70 हिस्सों में बांटा जाए तो एक वुमेन एक दिन में एक यूनिट करेगी, हमने यूनिट्स में बांट लिया है, राइट। तो अभी देखना है 5 वुमेन जो हैं
और 10 चिल्ड्रन जो है वो कितनी देर में अगर मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, एक वुमेन जो है एक दिन में 1/70 पार्ट करती हैं। अगर 5 वुमेन हो जाएंगी तो सिंपली एक यहाँ पे 5/70 कर लें तो 1/14 पर डे इनका काम कर लेंगे। और अगर चिल्ड्रन की बात करें, 10 चिल्ड्रन जो हैं वो 10/140 की अगर बात करूं तो ये भी 1/14 पर डे है, इतना काम कर लेंगे। अगर दोनों का टोटल ऐड करेंगे तो 1/14 + 1/14 ये आपका आ जाएगा 2/14, और इसको काट दें तो 1/7, इसका मतलब है 7 डेज। एक दिन में 1/7, एक दिन में 1/7 ऑफ द जॉब है वो कर लेंगे 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलके, एंड में 7 दिन आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सभी क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 300 रुपीज़ पर डे, वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न 188 रुपीज़ अ डे एंड बी एंड सी अर्न 152 रुपीज़ अ डे। अभी ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखे, सबसे पहले जब ए बी सी का आपको टोटल दिया हो, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी 300 दिया हुआ है। अगर ये वाली इक्वेशन ए प्लस सी इज इक्वल टू 188 और बी प्लस सी इज इक्वल टू 152, इसको मैं ऐड कर दूं और बी प्लस सी इज इक्वल टू 152, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, दोनों को प्लस कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस 2 सी इज इक्वल टू 340। अभी ये देखिए ए प्लस बी प्लस 2 सी इज इक्वल टू 340, अभी माइनस कर दीजिए तो आपका सी आ जाएगा 40, और ₹40 जो है आपका आंसर है, ₹40 आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था ये, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो कोशिश करें जैसे ए सी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, इन दोनों को एड अप कर दें। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, अगर बी एक काम को 12 दिन में करता है, ए उसी काम को 6 दिन में कर देगा, राइट। द नंबर ऑफ, अगर दोनों मिलके काम करेंगे, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1/12 को आप ऐड कर दीजिए 1/6 से, परसेंटेज में करना है, फ्रैक्शन से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो 4 डेज जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपने 5 मिनट में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो तैयारी है इस चैप्टर का मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, यू कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपने अगर 5 में से 3 से कम स्कोर लिया है, 3 या 3 से कम स्कोर आया है आपका, तो अभी आप इस चैप्टर पे रुक जाइए और क्वेश्चन इसके सॉल्व करिए। लेकिन 5 मिनट में अगर आपने 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपकी तैयारी मैं कहता हूँ अच्छी है, 5 कर लिए तो बिल्कुल अच्छी है, 4 कर लिए तो थोड़ी सी शायद और तैयारी कर लेनी बेहतर होगी। हाँ यस, एक चीज़ रह गई है गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू लाइक दिस मॉक टेस्ट, क्या आपको ये सेशन पसंद आया है? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस सेशन में, क्या मैं और इससे बेटर कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं और बेटर से बेटर स्टडी मटेरियल, टेस्ट और बेटर, अच्छे से अच्छा सेशन जो है वो मैं प्रोवाइड करूँ आप स्टूडेंट्स को। तो मैं आप सबसे फीडबैक चाहता हूँ, आप अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट्स में दीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप कॉमेंट में अगर मुझे फीडबैक देंगे उसी तरीके से मैं जो आगे के सेशंस हैं वो बना पाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और gktouches.com पे जाइए, एक बार देखिए, मैंने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं उस पर, उसको लुकआउट कीजिए, फ्री में कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, ज़रूर इसे देखिए। gktouches एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो आप इंस्टॉल कर ही चुके होंगे अभी तक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे।